लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन इस बैठक में हो रहा है। बता दें आज 23 सीटों तक नाम तय हो सकते हैं, नामों का पैनल बन सकता है। सीईसी की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी। भोपाल लोकसभा सीट पर भी रायशुमारी लगातार जारी है। मंत्री चेतन कश्यप और जयबान पवैया की चर्चा हो रही है। टिकट के दावेदारों और पदाधिकारियों के साथ मंथन हो रहा है। भोपाल से रायशुमारी में बीडी शर्मा सबसे आगे चल रहे हैं। जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी दूसरे नंबर पर है। रायशुमारी में बनाए गए 5 से 6 नामों का पैनल है। आलोक शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, आलोक संजर के नाम भी शामिल हैं। तो ये बड़ी बैठक बीजेपी की भोपाल में रखी गई है और आखिर किसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इन तमाम वो मुद्दों पर इस बैठक में मंथन हो रहा है, विचार चल रहा है। ये पैनल पूरा तैयार होगा, उसके बाद सीईसी की बैठक में नाम आखिर में फाइनल होंगे। अभी मंथन, सिर्फ मंथन अभी होगा और जल्द से जल्द नाम तय कर लिए जाएंगे। उसके बाद सीईसी की बैठक होगी जिसमें नाम फाइनल होंगे। तो ये वो बड़े नाम हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके नाम सबसे आगे चल रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र चौहान भोपाल से जुड़ गए हैं। भोपाल में ही बैठक चल रही है, वो जानकारी देंगे। शैलेंद्र, महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की हो रही है और कई सारे नाम आगे चल रहे हैं। कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं और क्या लगता है कि कब तक ये फाइनल और कितने नाम फाइनल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, भाजपा की आज दो बड़ी बैठक होना है। सबसे पहले तो सुबह रायशुमारी हुई जिसमें भोपाल लोकसभा सीट को लेकर, इसके अलावा मध्य प्रदेश में 29 सीट है जिनके लिए रायशुमारी अलग अलग जिलों में, तो 21 से 23 ऐसी लोकसभा सीट है जिनके लिए रायशुमारी हो चुकी है। और आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है जो प्रदेश कोर कमेटी की कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय में होने वाली है। इस बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा होगी। जो रायशुमारी में नाम आए हैं, भोपाल हो, इंदौर हो, इसके अलावा जितनी भी लोकसभा सीट है, जो इन सभी के लिए दावेदारों के नाम आए, 2 से 3 प्रत्याशियों के नाम का पैनल तैयार हुआ, तो कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। और उसके कुछ ही देर बाद शाम को 6 बजे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र और स्पीकर है नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा जो इस प्रबंधित प्रदेश चुनाव समिति के प्रमुख टॉप लीडरशिप है यहाँ पर बैठेगी। और ये सारे नेता आज नामों का पैनल बनाकर तैयार कर लेंगे। हर सीट पर 2 से 3 नामों को फाइनल किया जाएगा और इसे कल दिल्ली में जो सीईसी की बैठक होने वाली है उसके लिए भेजा जाएगा। जी, ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। अब लगातार अभी भी बैठक जारी रहेगी, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। अब बात दमोह की होगी जहां ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम में पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया नाराज हो गए और जनपद पंचायत सीईओ बीएस यादव को जमकर फटकार लगाई। दरअसल कार्यक्रम में जो पोस्टर लगा था उसमें रामकृष्ण कुसमारिया का फोटो नहीं था, जिसे देखने के बाद कुसमारिया भड़क गए। कहाँ है तो तुम्हारे बैनर में नाम है ना, तुम वो क्या है कि वहीं से बन के आए तो कहाँ होगा, तुम इतने अलग बनाओ। खरगोन का जिक्र करते हैं, यहाँ पर पाइपलाइन फूटी है। 50 फीट की ये पाइपलाइन थी ऊंचाई तक पानी, 50 फीट तक की ऊंचाई तक ये पानी बहता रहा, फव्वारा बन के बहता रहा। मंडलेश्वर के पास पानी की सप्लाई की पाइपलाइन फूटी, बर्बाद हो रहा है लाखों गैलन पानी, लाखों क्यूसेक पानी। किसानों के खेत में ये पानी जा रहा है और किसानों की खड़ी फसल भी इससे बर्बाद हुई है। पाइपलाइन से इंदौर भेजा जाता है पानी। मौके पर फिलहाल अधिकारी और कर्मचारी पहुंच चुके हैं और मरम्मत का काम जारी है। तस्वीर आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में, ज्यादा संख्या में ये पानी जो है अब वेस्टेज हो रहा है इसका। 50 फीट तक ऊंचाई इसकी पानी की जा रही है और कहीं ना कहीं जो फसलें हैं किसानों की वो भी यहाँ पर खराब हुई हैं। पूरी तरह से पानी भर चुका है फसलों में और अब मौके पर अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हैं और मरम्मत का काम यहाँ पर हो रहा है। खरगोन की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर 50 फीट तक पानी का फव्वारा बनकर यहाँ पर बहता रहा और पानी का बड़ा नुकसान यहाँ पर देखा गया, साथ ही साथ खेत का भी नुकसान। किसानों की खड़ी फसल इस बीच बर्बाद हो गई है। पाइपलाइन से इंदौर जो पानी भेजा जाता है और इसी बीच गड़बड़ी और बड़ा नुकसान। फिलहाल अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं, मरम्मत का काम यहां पर जारी है। और